साल की और भारत की बेटी के साथ जो हुआ उसको लेकर पूरा भारतवर्ष आज भी आक्रोशित है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो महिलाएं हो, या चाहे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो भारत का जो राइट थिंकिंग पर्सन कहलाता है। सभी लोग सड़क पर, सभी लोग आक्रोशित है और सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए। Everyone in this country is outraged even today with what has happened at RG Medical Kar Hospital, the brutal gang rape and the murder of the trainee doctor. And everyone from Kashmir to Kanyakumari is demanding only one thing, न्याय, justice. पर न्याय देने के बदले, justice देने के बदले, तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ। और इस बलात्कारी बचाओ अभियान में तृणमूल कांग्रेस इतना आगे निकल चुकी है कि आज यह कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मुझे चाहिए और तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। Instead of securing justice for the victim of this brutal gang rape, TMC's priority seems not to be beti bachao, not to be beti ko nyay dilao, but to be only and only balatkari bachao. And in this attempt of balatkari bachao, the TMC today has come to represent tana shahi mujhe chahiye culture. And therefore, instead of cracking down on the vandals who attacked the RG Kar Medical College on the intervening night of 14th and 15th, instead of taking action on the gang rapists of this young trainee doctor, what we find is that there has been a crackdown that has been launched by the Trinamool Congress government and police against those who are crusading for justice, against ordinary citizens of this country, on sections of the media and on doctors. तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है वो न्याय दिलाने के बदले और जो कार्रवाई है उन हत्यारों पर, उन बलात्कारियों पर करने के बदले, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो सुनियोजित ढंग से तोड़फोड़ करने के लिए घुस गए थे उन पर करने के बदले, वो जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो आम नागरिक है, जो डॉक्टर्स है जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं और जो मीडिया कर्मचारी है उन पर कार्रवाई करने पर आमादा हो चुकी है। और इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है कि ममता बनर्जी की कार्रवाई को देखकर जो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह है, इंदिरा गांधी, हिटलर, स्टालिन, किम जोंग उन, वो भी कहेंगे वाह ममता वाह, क्या तानाशाही का परिचय दिया है आपने। इवन द मोस्ट ग्रेवेस्ट ऑफ डिक्टेटर्स इन दिस वर्ल्ड will look at Mamata Banerjee's actions and say that she has gone a step ahead of us. She has gone a step ahead of Kim Jong-un. और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास यह तालिबानी फतवा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ है, कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है और ट्रांसफर उनकी कई दूर दराज इलाकों में भी की गई है। दिस इज द तालिबानी ऑर्डर ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दैट दोज डॉक्टर्स हु हैव बीन रेजिंग देयर वॉइस फॉर द न्याय फॉर दिस बेटी हैव बीन इशूड ट्रांसफर ऑर्डर्स इंक्लूडिंग टू एरियाज विच आर वेरी रिमोट एज इफ टू पनिश देम, टू पीनलाइज देम। और मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं, मीडिया केवल ये नहीं कह रहा है, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने भी ट्वीट करके कहा है, वी स्ट्रांगली कंडेम ममता बनर्जी द अनजस्ट ट्रांसफर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हु सपोर्टेड आवर प्रोटेस्ट, दीज प्यूनिटिव मेजर्स विल नॉट साइलेंस आवर डिमांड्स फॉर जस्टिस एंड सिक्योरिटी, वी स्टैंड यूनाइटेड एंड रेजोल्यूट इन आवर फाइट। यह तालिबानी तानाशाही मानसिकता परिचय नंबर वन। एक और परिचय भी ममता बनर्जी की सरकार ने दिया है और वो आप में से
कुछ लोगों को भी मिला होगा। पिछले दो दिनों से जो भी बेटी के लिए न्याय की आवाज सोशल मीडिया पर उठा रहा है, कोलकाता पुलिस, उनकी प्राथमिकता देखिए, सी द प्रायोरिटी ऑफ कोलकाता पुलिस, 5,000-7,000 लोग जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुस गए उनको नहीं रोकना है, बलात्कारियों को नहीं पकड़ना है, संजय राय जैसे लोगों को पुलिस वेलफेयर बोर्ड से नहीं हटाना है। कार्रवाई किस पे करनी है? जो आम सोशल मीडिया पर भारत के नागरिक आवाज उठा रहे हैं, तो कोलकाता पुलिस उन्हें लव लेटर भेज रही है यह कहते हुए कि आप अपना ट्वीट हटाइए, आप अपना पोस्ट हटाइए, वरना आधी रात को हम आपके पास आ जाएंगे और आपको पकड़कर ले जाएंगे। और कुछ एकाध पत्रकारों को अपना एक्स का हैंडल, ट्विटर का हैंडल डिलीट करना पड़ा है। यह होती है फैसिज्म। राहुल गांधी पता नहीं कहां है, वैसे वो फैसिज्म, डिक्टेटरशिप, इनका पूरा अलायंस ही जो बना है डाउन विथ फैसिज्म, डाउन विथ डिक्टेटरशिप, संविधान बचाओ के नाम पर बना है। यह होता है कि एक आम नागरिक अगर इस बेटी के बारे में सोशल मीडिया पर बोले तो उसे तुरंत कोलकाता पुलिस नोटिस थमाती है कि या तो ट्वीट और एक्स का पोस्ट डिलीट करो या तो आपको हम जेल भेज देंगे। तो ट्रांसफर ऑफ डॉक्टर्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को धमकी, जर्नलिस्ट को धमकी, इन्होंने तो अपने खुद के लोगों को नहीं बख्शा। इनके एक वरिष्ठ नेता है, सांसद है, अब पूर्व सांसद बन चुके हैं, और जो उनके मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है शांतनु सेन, शांतनु सेन ने संदीप घोष, जो ये प्रिंसिपल है जिसके प्रति तृणमूल कांग्रेस इतनी उदार थी कि 4 घंटे में उसे आरजी मेडिकल कॉलेज से हटाकर नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, मतलब और भी बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया, हालांकि उसका रोल कितना संदिग्ध था कि सीबीआई ने उसे जांच के लिए बुलाया है और आज भी संभवतः बुलाया है जांच के लिए और सवाल जवाब करने के लिए, परंतु ये तो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर था बंगाल सरकार का, 4 घंटे में उसको पोस्टिंग मिल गई। तो ऐसे संदीप घोष पर शांतनु सेन ने बोला है कि इसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, पता नहीं इसको क्यों बनाकर रखता। तो अगले 1 घंटे के भीतर शांतनु सेन को अनसेरिमोनियसली सैक कर दिया प्रवक्ता पद से। शांतनु सेन का बयान छपा है, मुझे नहीं पता मुझे क्यों सैक किया, मैंने क्या झूठ बोला, मैंने तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। यह प्रमाण नंबर 3 है तानाशाही तालिबानी मानसिकता का। और चौथा प्रमाण तो आपने 14 और 15 तारीख को देखा ही है, जब पूरा देश फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम के स्वागत के लिए तैयारियां कर रहा था, 15 अगस्त मिडनाइट को, और हमारे देश की महिलाएं और देश की महिलाओं के साथ हर एक राइट विंग थिंकिंग पर्सन उनके साथ सड़कों पर था कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए, रिक्लेम द नाइट और रिक्लेम द स्पेसेस होना चाहिए, तो उस समय पर सुनियोजित ढंग से स्टेट स्पॉन्सर्ड 5,000-7,000 गुंडों को भेजकर इस पूरे पीसफुल मूवमेंट को किस प्रकार से हमला करके आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ करने का काम किया गया ताकि एविडेंस को मिटाया जा सके। यह एविडेंस नंबर 4 है। एविडेंस नंबर 5 भी कल सामने आया है, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कैसी कार्रवाई की है कि एक कार्यकर्ता को तो गाड़ी के तले ही रौंद दिया। यह तानाशाही और तालिबानी मानसिकता का परिचय दिया जा रहा है। और आज इसीलिए इन सारे प्रमाणों को देखने के बाद एक बात स्पष्ट है कि जो तृणमूल कांग्रेस सरकार का पूरा एजेंडा है, वो एजेंडा है कि सत्य को, सच्चाई को दबाओ, बलात्कारी को बचाओ और एविडेंस को मिटाओ। द एजेंडा ऑफ तृणमूल कांग्रेस आफ्टर ऑल ऑफ दीज 5 एविडेंसेस ऑफ देयर तानाशाही एंड तालिबानी मानसिकता सीम्स टू बी साइलेंस द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, सेव द रेपस एट एनी कॉस्ट एंड डिस्ट्रॉय एवरी पीस ऑफ एविडेंस एट एनी कॉस्ट so that the CBI cannot reach to a conclusion in this entire case. और ये जो evidence destroy करने की प्रक्रिया है, जो समझ में आ रहा है,
वो डे वन से ही चल रहा है। और ये कहने में कोई भी अतिशोक्ति नहीं होगी कि दिस इज द मोस्ट सिनिस्टर सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल कवर अप दैट इज बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड एट द बिहेस्ट ऑफ द तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू सेव द रेपिस्ट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रेपिस्ट हु परहैप्स हैव लिंक्स विद द तृणमूल कांग्रेस। ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि जो पूरी कवायद की जा रही है यह सबसे ज्यादा व्यवस्थागत संस्थागत तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है बलात्कारियों को, ताकि जो अन्य बलात्कारी हो सकते हैं इस मामले में, अब ये एविडेंस सामने आ रहा है कि एक से ज्यादा बलात्कारी हो सकता है, उसको संरक्षण दिया जाए ताकि तृणमूल कांग्रेस के साथ जो संभवतः उसके रिश्ते होंगे उनके वो सामने निकल कर ना आए। और इसीलिए बंगाल में आज मां माटी मानुष नहीं केवल बलात्कारी बचाव चल रहा है। कल भी पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने जिस प्रकार की ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स की है, मेरे पास है वो, मैं आपको ब्रीफ में सिर्फ बताना चाहता हूं तीन चार बिंदु। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार का जो टीएमसी मॉडल ऑफ रेप मर्डर एंड कवर अप है, उस पर पश्चिम बंगाल की हाईकोर्ट कहती है कि यह एब्सोल्यूट फेलियर है स्टेट मशीनरी का। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जो पुलिस है वो पूर्ण तरीके से फेल हो गई डॉक्टर्स को सुरक्षा देने में। हाउ डिड 5,000 टू 7,000 पीपल कम टू दैट पर्टिकुलर आरजी मेडिकल कर कॉलेज? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कोर्ट ये इशारा कर रहा है कि ये भीड़ स्पॉन्टेनियस नहीं थी, ये भीड़ सुनियोजित ढंग से स्पॉन्सर्ड तरीके से लाई गई थी। और यह भी कहना अतिशोक्ति नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल के कोर्ट को कोई भरोसा विश्वास नहीं बचा है सरकार में और पुलिस में, और इसीलिए न केवल इन्वेस्टिगेशन को जो मूल मुद्दे में है, परंतु इसके अलावा जो वैंडलिज्म का मामला है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला है वैंडलिज्म का, तोड़फोड़ का, उसको भी सीबीआई के पास ट्रांसफर कर दिया।